स्टूडेंट्स, दिस यूनिट 10.2 ऑफ एनालिसिस मॉडलिंग और इस यूनिट में हम प्योरली फोकस करें होंगे ई आर डी डायग्राम्स पे ईआराम जिससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वी हैव थ्री थिंक्स इन एंटिटीज रिलेशनशिप्स। एंटिटीज क्या होंगी एंटिटीज विल बीनाउंस कोई भी चीज जिस जो जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो वो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके एट्रीब्यूट होंगे और जो दो एंटिटीज आपस में जो रिलेशनशिप एग्जिबिट करेंगी वो उनके बीच का रिलेशन होगा जो कि आप हमेशा एंटिटीज uh, कोई ना कोई नाउन से रिप्रेजेंट रहे होंगे और रिलेशनशिप्स को हमेशा वर्ब से यूज करेंगे और किसी भी पर्टिकुलर नाउन का कोई भी शख्स जगह का कोई भी नाम होता है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है कोई पर्सन है तो उसका एक नाम होगा एक फर्स्ट नेम होगा एक लास्ट नेम होगा उसका एड्रेस होगा उसका जेंडर होगा बिल्कुल उसी तरह आपके पास पर्सन एंटिटी हो जाएगा और उसका नेम उसका एज उसका जेंडर उसकी आईडी, उसका एट्रीब्यूट्स होंगे ठीक है तो ये और क्लियर होगा जब हम आ, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो लेट्स स्टार्ट विदेरी बेसिक एग्जाम्पल पच्चीस के एक इंट्रेंट्री सॉफ्टवेयर है जिसको एक रिटेल शॉप में यूज हो रहा है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आप मॉनिटर कर रहे होंगे जो भी चीज खरीद रहे होंगे कोई भी आइटम आप ले रहे हैं उस आइटम के फीचर्स क्या होंगे उस आइटम के एट्रीब्यूट क्या होंगे आइटम टाइप आइटम सोर्स और आइटम प्राइस राइट सो जब भी आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें एंटिटी आप रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करेंगे एट्रीब्यूट को ओवर शेप से रिप्रेजेंट करेंगे और रिलेशनशिप को डिसीजन शेप से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ आपको दो चीजें नजर आ रही है कि एक तो वो शॉपर वो पर्सन जो बाय uh, कर रहा है और एक आइटम होगा ठीक है तो जो भी आइटम परचेज हो रहा है उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे आइटम टाइप आइटम सोर्स आइटम प्राइस तो आपने टू uh, यहाँ पे हमारे पास uh, आपके टू एंटिटीज हो गई एक तो आपका शॉपर और दूसरा आपका आइटम इनके बीच का रिलेशन क्या है कि बाय हो रहा है तो बाय का रिलेशनशिप बना दिया और आइटम के एट्रीब्यूट्स जो आपके पास मेंशन थे वो आपने लिख दिया ये बिल्कुल बेसिक था फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग सम कॉन्फिडेंस नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है कि आपको ई आर डायग्राम बनानी है कार इंश्योरेंस कंपनी की ठीक है अब कार इंश्योरेंस कंपनी की जो आपको ई आर डायग्राम बनानी है इसमें एक पर्सन है जो कि कार ओन करता है ठीक है और उस कार का अगर कोई डैमेज होता है तो वो रिपोर्ट करता है डैमेज अमाउंट के साथ और पूरी इंफॉर्मेशन देता है जो भी एक्सीडेंट हुआ उसकी तो यहाँ आपको साफ नज़र आ रहा है एक तो मेरी एंटिटी कार मुझे नजर आ रही है ठीक है दूसरा वो पर्सन नजर आ रहा है जिसकी वो कार है और तीसरा जो एक्सीडेंट अकर हुआ है वो एक एंटिटी हो गई अब पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट होंगे कार के कुछ एट्रीब्यूट होंगे एक्सीडेंट के कुछ एट्रीब्यूट होंगे ठीक है अब पर्सन जिसकी कोई पर्टिकुलर कार है उसका एक्सीडेंट होगा तो इनके बीच का एक कॉमन रिलेशन है पर्सन और कार का तो रिलेशन क्या हो गया कि पर्सन कार को ओन करता है लेकिन पर्सन कार और एक्सीडेंट तीनों जुड़े हुए कि एक पर्टिकुलर पर्सन की कोई पर्टिकुलर कार है जिसका एक्सीडेंट हुआ ठीक है तो इन तीनों के बीच का भी एक रिलेशन होगा जिसको एक कॉमन रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें पहले से सोच के रखना है ठीक है कि पर्सन का कार से रिलेशन ये है कि पर्सन की कार है लेकिन जिस कार का एक्सीडेंट होगा उसका रिलेशन एक्सीडेंट से भी होगा ठीक है ना सो so, ये सोचना है आपको कि एक रिलेशन तो पर्सन का कार से बना और दूसरा रिलेशन ऐसा होगा जो पर्सन कार और एक्सीडेंट के बीच कॉमन होगा ठीक है ये मेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सो लेट्स स्टार्ट के इसकी डायग्राम ER कैसे होगी दिस इज ईआर डायग्राम देखें ये पर्सन है पर्सन कार को ओन कर रहा है तो ये पर्सन और कार का रिलेशनशिप हो गया और एक पर्सन है जो जिस कार को ओन कर रहा था उसका एक्सीडेंट भी हुआ ठीक है तो पर्सन में अब देखिए यहाँ ये लाइन क्यों आ रही है ये एक क्वेश्चन है अब इसका मैं अभी आंसर करती हूं। पहले आप इस e को समझ लें पर्सन के थ्री एट्रीब्यूट हमने मेंशन कर दिए कि उसकी एक आईडी होगी ड्राइवर जो भी उसका लाइसेंस जो भी उसको इश्यू रहा है उसकी एक आईडी होगी उस पर्सन का नेम होगा वो पर्सन उस कार को ओन कर रहा है इस वजह से यहाँ पे इसका रिलेशन बना दिया अब क्या होगा Uh, जब ये कार को ओन कर रहा है तो कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कार का लाइसेंस है मॉडल है एयर है एक्सीडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कि एक्सीडेंट का एक रिपोर्ट नंबर होगा एक लोकेशन होगी डेट होगा इसके अलावा एक्सीडेंट के और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कार के भी मजीद एट्रीब्यूट हो सकते हैं पर्सन के भी मजीद एट्रीब्यूट हो सकते हैं डिपेंड्स अपॉन यू की आप क्या क्या एट्रीब्यूट रखते हैं ठीक है देन जो पर्सन ने जिस पर्टिकुलर कार का एक्सीडेंट का हुआ है उन सबको हमने कॉमन रिलेशनशिप से बाउंड कर दिया वो के, जो क्या है पार्टिसिपेटेड ठीक है अब जब पार्टिसिपेट किया तो यहाँ वहां ऊपर आपके पास मेंशन था कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा अमाउंट भी करना है तो डैमेज अमाउंट मैं पर्सन के साथ में एक्सीडेंट के साथ में तो उसका होगा तो ये एट्रीब्यूट कहीं एक जगह पे फिक्स नहीं हो रहा ये एट्रीब्यूट म्यूचुअल एट्रीब्यूट है पर्सन का भी कार का भी और एक्सीडेंट का भी तो जब इस तरह के म्यूचुअल एट्रीब्यूट की बात होते हैं तो हम वो उस पार्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट कर देते हैं जिस रिलेशनशिप की वजह से वो एट्रीब्यूट अकर हुआ क्योंकि हर पर्सन का ये एट्रीब्यूट नहीं होगा हर कार का ये एट्रीब्यूट नहीं होगा हर एक्सीडेंट का ये एट्रीब्यूट नहीं होगा ये एट्रीब्यूट हर उस पर्सन की उस कार के उस एक्सीडेंट का होगा जो अकर हुआ जिसमें डैमेज हो गया जिसने एक्सीडेंट में पार्टिसिपेट कर लिया तो इस वजह से इस एट्रीब्यूट को हमने किसी एंटिटी का पार्ट बनाने की जगह इसको हमने इस रिलेशनशिप का पार्ट बना दिया अच्छा अब मैं आती हूं क्यों हुआ है कि हमारे पास जितने जो एट्रीब्यूट होते हैं ना ये जो एट्रीब्यूट होते हैं है, इनकी कुछ टाइप्स होती है एक उसकी टाइप होती है कुछ हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट्स ये की एट्रीब्यूट होते हैं यूनिक होते होते हैं हैं ये जो की हमारे पास इसमें हमारे पास वो एट्रीब्यूट आ जाते हैं जो यूनिक हो जैसे जो ड्राइवर की आईडी है वो एक ही ड्राइवर की आईडी होगी वो मल्टीपल ड्राइवर्स की आईडीज नहीं हो सकती जैसे आपका कोई स्टूडेंट आईडी होती है वो आपकी होती है वो किसी दूसरे के साथ कॉमन नहीं होती कार का जो लाइसेंस नंबर होता है वो यूनिक होता है वो किसी दूसरी कार को वो लाइसेंस नंबर फिर नहीं दे सकते एक कार का एक ही पार्टिकुलर लाइसेंस नंबर है और वो किसी दूसरी कार का फिर नहीं हो सकता जब एक्सीडेंट आप रिपोर्ट करने जाते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है वो नंबर किसी दूसरे एक्सीडेंट का नहीं होगा हर वो फीचर जो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो वो उस डेटाबेस में प्राइमरी की की तरह बिहेव करता है तो हमेशा ऐसे एट्रीब्यूट को आप क्या कर देंगे ऐसे एट्रीब्यूट को आप अंडरलाइन कर देंगे इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की आ, की एट्रीब्यूट तो आपने देख लिया जो कि यूनिक है कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है आ, एक और होता है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कि इस पर्सन का नेम है तो इस पर्सन के नेम से आप इस पर्सन का फर्स्ट नेम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आ, लेट मी एनोटेट इट ये देखें इस फर्स्ट नेम से आपके पास इस नेम से आपके पास इसका फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम ये तीनों आ सकते हैं ठीक है इसके अलावा इस एड्रेस को भी आप मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं कि इस एड्रेस में सिटी क्या है पोस्टल कोड क्या है ठीक है ये जो एक्सपेंडेबल एट्रीब्यूट्स uh, होते हैं इसको आप कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ठीक है तो ये तो हो गई एग्जाम्पल ऐसे एट्रीब्यूट्स की जो एक्सटेंडेबल हो उसके अलावा आपके पास और एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको आप कहते हैं कंपोज़िट एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स के इलावा, कौन से होते हैं ड्राइव ऐसे होते हैं कि बेटा जैसे एक पर्सन है उसने अपना डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है उसने अपने एट्रीब्यूट में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है उसने ये नहीं बताया हुआ कि कितनी है मगर डेट ऑफ बर्थ जब आपके पास बताए तो उस डेट ऑफ बर्थ में जो एयर मेंशन है उस एयर को जब आप करंट एयर में से करते हैं तो उससे आप क्या ड्राइव कर सकते हैं उससे आप ड्राइव कर सकते हैं उस पर्सन की एज जिसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ऐसा एट्रीब्यूट जो पर्सन एंटर ना करे लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट कर लें उसको आप कहते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट्स ठीक है सो so, uh, जैसे कि फेसबुक में आप अपनी एज नहीं डालते जब फेसबुक में अपना डेटा एंटर करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से वो आपकी एज निकाल लेता है जब भी आपकी बर्थडे होती है तो फेसबुक पे लिखा हुआ होता है कि टूडे यूर ट्वेंटी टू ईर्स ओल्ड वट एवर सू योर एज इज तो वो एज लिखी हुई होती है कैसे कि वो आपकी डेटाबेस में से वो ड्राइव कर लेता है देन वी हैव ड्राइव के अलावा हमारे पास uh, एक चीज और होती है कि आपके पास जो आपका फोन नंबर है आपके पास एक से ज्यादा फोन नंबर्स हो सकते हैं किसी के पास uh, कोई पीटीसीएल भी हो सकता है फिर उसकी कोई जैस uh, की सिम होगी कोई मुगलिंग uh, की सिम सिम होगी तो वी हैव डिफरेंट नंबर्स तो uh, ऐसे भी एट्रीब्यूट होते हैं जो होता तो सिंगल एट्रीब्यूट है लेकिन उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं तो इस तरह के वैल्यूज को आप इस तरह के एट्रीब्यूट को हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल वैल्यूड प्रोसिबल होती है तो उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं डबल ओवल से जो शेप है इसको आप डबल ओवल से रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है जैसे कि एक सिंगल ओवल है इसको आप दो दफा बना दें और उसके अंदर मेंशन कर दें फोन नंबर ठीक है तो ये वो बातें हैं जो पता होनी चाहिए जब आप इस पे काम कर रहे हैं तो ठीक है तो ये आपकी एग्जांपल वन हो गई जिसको हमने काफी डीपली डिस्कस कर लिया देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ एआरडी विच इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट है वो अपेयर हो रहा है किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए और उसका एग्जाम तो हाँ कोर्स के, के लिए, लिए अपेयर हो रहा होगा उसी कोर्स का जिसमें वो अपेयर हो रहा है उसके वो एग्जाम दे रहा होगा तो स्टूडेंट की आईडी हो गई स्टूडेंट का नेम हो गया स्टूडेंट जिस प्रोग्राम में एनरोल हो गया स्टूडेंट ने कोर्स लिया है जिस कोर्स का कोई टाइम है कोई सेक्शन नंबर है कोई रूम है जिसमे वो कोर्स हो रहा है कोई कोर्स नंबर है कोई सेमेस्टर है कोई एयर है अच्छा यहाँ पे अंडरलाइन किसको करूं मैं स्टूडेंट आईडी को अंडरलाइन करना चाहिए ये प्राइमरी की हो गई और किसको अंडरलाइन कोर्स में क्या यूनिक है सेक्शन नंबर ठीक है कोर्स नंबर यूनिक है ठीक है सेक्शन नंबर नहीं होना चाहिए कोर्स नंबर होना चाहिए इसको हमें हटा के कोर्स नंबर पे कर दिया हमने और एग्जामिनेशन में कोई एग्जामिनेशन पर्टिकुलर उसकी आईडी होगी वो यूनिक है ठीक है अब आ, आ, और इसके कंपोजिट क्या हो सकते हैं कि नेम से आप टू उसके जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो एक्सट्रैक्ट कर लें ठीक है ना ये बिल्कुल हो सकता है जिसके कंपोजिट हो जाएंगे स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्या हो सकता है स्टूडेंट का फोन नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकता है ठीक है इस तरह से आप फोन नंबर को भी पार्ट बना सकते हैं इसका री सॉरी अबाउट वेल क्लियर इट ओके अच्छा अब स्टूडेंट ने जो पर्टिकुलर कोर्स लिया उसके एट्रीब्यूटन कर दिए और एग्जाम के एट्रीब्यूट आपने मैंशन कर दिया अब ये टेक्स एक ऐसा रिलेशन है जो इन तीनों के बीच में ठीक है अब मार्क्स ना सिर्फ स्टूडेंट के होंगे ना सिर्फ उस पर्टिकुलर कोर्स के होंगे ना सिर्फ एग्जाम के होंगे मार्क्स एक ऐसा एट्रीब्यूट है एक जो शेयर्ड है स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कोर्स और एग्जाम के बीच इस वजह से मार्क्स को ना हमने पर्टिकुलरली स्टूडेंट के साथ लिखा ना कोर्स के साथ लिखा ना एग्जाम के साथ लिखा हमने उसको उस रिलेशनशिप का पार्ट बना दिया जो इन तीनों के बीच है जब स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कोर्स को लेने के बाद इसका एग्जाम देगा तभी उसके ये मार्क्स आएंगे इस वजह से मार्क्स का एट्रीब्यूट इस पर्टिकुलर रिलेशन के साथ आगे राइट आई होप ये आपको क्लियर होगा सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ ई

लेक्चरर्स डिफरेंट कोर्सेस टीच करते हैं और इवन एक ही कोर्स काफी डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में भी टीच करते हैं सो कोर्सेस कैन ऑल्सो टॉट बाई मेनी लेक्चरर्स राइट दिस इज लेक्चरर्स लेक्चर्स, डिफरेंट कोर्सेज भी पढ़ाते हैं और एक ही कोर्स डिफरेंट टाइम्स में पढ़ाते हैं कोर्सेज काफी सारे लेक्चर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट ओनली वन प्रोग्राम में एंटर होता है बट अ प्रोग्राम कैन कंटेन मेनी स्टूडेंट्स ठीक है एक स्टूडेंट एक ही प्रोग्राम में एंटर होता है मगर एक प्रोग्राम में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन मेनी कोर्सेज अब एक से ज्यादा कोर्सेज में वो एनरोल हो सकते हैं एंड द कोर्सेज हैव मेनी स्टूडेंट्स और कोर्सेज में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपके पास क्या एंटिटीज हैं आपके पास यूनिवर्सिटी आई सबसे पहले तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की फैकल्टी एक एंटिटी है दूसरी एंटिटी आपके पास क्या होगी मी चेंज द कलर फॉर एंटिटीज सही है पहली एंटिटी आपके पास थी यूनिवर्सिटी दूसरी एंटिटी हमने देखी फैकल्टी तीसरी देखी हमने स्कूल अब स्कूल के बाद स्कूल में क्या है प्रोग्राम्स हैं प्रोग्राम्स के अंदर क्या है बेटा प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज हैं फिर आपके पास लेक्चरर्स हैं और आपके पास लेक्चरर्स हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं तो ये सारे हमने ब्रेन से क्या निकाल लिए ये सारी हमारी हो गई एंटिटीज अब बात आती है कि इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा सही है दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि रिलेशनशिप क्या होगा कैसा होगा किस तरह से ये सारी एंटिटीज आपस में रिलेट कर रही होंगी तो ऐसा होगा रिलेशनशिप कि यूनिवर्सिटी में फैकल्टी थी तो यूनिवर्सिटी का फैकल्टी के साथ रिलेशन क्या होगा दैट यूनिवर्सिटी कंटेन्स फैकल्टीज अब फैकल्टी को और स्कूल का रिलेशन कैसा होगा कि फिर उस फैकल्टी को आपने स्कूल्स में डिवाइड कर दिया देन वो स्कूल्स ऑफर कर रहे थे कुछ प्रोग्राम्स ठीक है और वो स्कूल ने इंप्लॉय करे हुए थे कुछ लेक्चरर्स तो जो प्रोग्राम्स थे उनमें कुछ कोर्सेज कोर्सेज थे राइट और फिर वो किसने ले ले लिए लिए स्टूडेंट्स ने लेक्चरर्स टीच करते हैं कोर्स को और स्टूडेंट प्रोग्राम में भी इनरोल्ड होते हैं और स्टूडेंट कोर्स में भी इनरोल्ड होते हैं तो मैंने आपको रिलेशनशिप भी बता दिया ठीक है ये सारी ब्रेन स्टॉमिंग करने के बाद फाइनली हमारे पास जब सारी इंफॉर्मेशन आ गई तो हम क्या करेंगे अब हम ई बनाएंगे सो यू आर

उससे इसकी ई आर डी बनाए ठीक है जो ई आर डी ऑफ दिस पार्टिकुलर सीनारी दिस इज योर टास्क सो आई एम गोइंग टू एंड दिस ओवर हेयर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और इसकी ई आर डी बनाए और देखें आप कहा खड़े में हैं आप ई आर डी कैसे बना सकते हैं और आपको इसमें कोई इश्यू तो नहीं आ रहा थैंक यू सो मच फॉर नाउ अल्लाह हाफिज